खबर है जहां निगम के अफसरों की लापरवाही आम लोगों के लिए परेशानी बन चुकी है। जी हां, निगम के स्विमिंग पूल में क्लोरीन की मात्रा अधिक होने से कमिश्नर साहब के बच्चे बीमार हो गए। पूल में तैरने गए बच्चों में खुजली और उल्टी की शिकायत हो गई, जिसके बाद इनका इलाज कराया गया। शिकायत पर नगर निगम अफसर हरकत में आए और स्विमिंग पूल के पानी की जांच के लिए DRDO में सैंपल भेजे गए। बता दें कि सैंपल रिपोर्ट आने तक स्विमिंग पूल में तैराकी बंद कर दी गई है। तो परसों उनको जो तरुण पुष्कर में उनको तकलीफ हो गई थी, उसके बाद अब स्वस्थ है, डिस्चार्ज हो घर गए। क्या दिक्कत क्या हो गई थी उनको? पल्मोनरी कंजेशन हो गया था। क्या वजह क्या थी उसके? उसके पीछे जो क्लोरीन का इनहेलेशन कारण हुआ था। ग्वालियर में दोस्त को फंसाने के लिए हवाई फायरिंग की गई। जन्मदिन की पार्टी में हुए विवाद के बाद फायरिंग हुई। पैसे के लेन देन को लेकर ये दोनों के बीच विवाद हुआ था और विवाद के बाद दोस्त को फंसाने के लिए ये फायरिंग की साजिश करी गई। अवैध हथियार से दो युवकों ने फायरिंग की। पूरी घटना CCTV कैमरा में कैद हुई। फायरिंग करने वाले युवकों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। निर्मल वाटिका के कोटेश्वर मंदिर रोड की ये घटना बताई जा रही है। इंदौर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पुजारी पर मुर्गे से हमला किया गया। पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के अरिहंत कॉलोनी का, जिसका वीडियो भी अब सामने आया। पुलिस ने मामले में मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला पानी पर विवाद का बताया जा रहा है। खबर नीमच से है, बमोरा गांव से है, जहां रोड़ी डालने की बात को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों परिवारों में पहले से ही विवाद चल रहा था और आज उस विवाद में एक महिला के ऊपर छत से पत्थर फेंके गए, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमला करने वाले परिवार से कई बार रास्ते में रोड़ी डालने से मना किया गया, लेकिन वो माने नहीं और इसी बात को लेकर आज परिवार के लोगों ने महिला के ऊपर हमला किया। मामले में एक CCTV भी सामने आया, जिसमें महिला घायल होकर नीचे गिरते हुए नजर आ रही है। खबर उज्जैन से है, जहां निरंजनी अखाड़े के पूर्व महामंडलेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने पूर्व महामंडलेश्वर ममतो जोशी उर्फ मंदाकिनी को अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार कर लिया। महामंडलेश्वर पे आरोप लगे थे, जिसमें एक थाना चिमनगंज में एक प्रकरण कायम हुआ था। उसके बाद इनका स्वास्थ्य खराब था, ये अस्पताल में एडमिट थी, आज वो डिस्चार्ज हुई है। जिनसे तबीयत खराब होने या क्या उनके द्वारा दवाई ली गई थी, उसके संबंध में महिला अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा रही है, उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। सर, वो जो इन्होंने ठगी की वारदात की थी उसके भी जी, उस संबंध में भी इनसे इनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे और इस संबंध में भी उनसे पूछताछ की जाएगी। महाकाल थाने में केस दर्ज है, उसमें भी? हाँ, महाकाल थाने में एक जो प्रकरण दर्ज है, उसके संबंध भी इनसे पूछताछ की जाएगी। निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर कहने वाली मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी पर जो है गंभीर आरोप लगे थे 7.5 लाख रुपए के। इसके बाद जो चिमनगंज मंडी थाने में FIR दर्ज हुई थी। इसके बाद जो है एक महाराज जयपुर के आए, उन्होंने भी 8,90,000 रुपये लेने की बात की शिकायत जो है महाकाल थाने में की थी। उसके बाद उन पर एक और FIR दर्ज हुई थी। वहीं एक कंपनी ने प्रोडक्ट खरीदी और उसको कंपनी के नाम पर बेचने का आरोप लगाया था और इसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाने के बाद माल वापस कर दिया था। ये तीन शिकायतों के बाद पुलिस ने आज जो है ममता जोशी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराया और इसके बाद जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अब फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है, पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश करेगी। अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। सतना में एक महीने बाद भी लापता कपड़ा व्यापारी का सुराग नहीं लगने से व्यापारी वर्ग नाराज है। 25 से ज्यादा व्यापारी संगठनों ने शहर में मौन जुलूस निकाला, विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों ने जल्दी से जल्दी पुलिस से लापता कपड़ा व्यापारी को ढूंढने की मांग की। पंजाबी मोहल्ला में रहने वाले प्रकाश लालवानी 10 अप्रैल को लापता हुए थे। सिटी कोतवाली थाने में 24 घंटे के बाद गुमशुदगी भी दर्ज हुई, लेकिन आज तक उनका पता पुलिस नहीं लगा सकी।
ग्वालियर में आईजी ऑफिस में तैनात महिला एसआई और सिपाही का प्यार परवान चढ़ गया तो दोनों बिना बताए ड्यूटी से लापता हो गए। एसआई नशा जैन और सिपाही अखंड प्रताप सिंह 7 मई को चुनाव ड्यूटी में गए थे। 8 मई को दोनों को आमद देनी थी लेकिन चुनाव ड्यूटी के बाद से दोनों आईजी दफ्तर नहीं आए। बिना बताए गैर हाजिर रहने पर आईजी ने दोनों को निलंबित कर दिया जिसके बाद दोनों ने बताया कि उन्होंने भागकर आर्य समाज से शादी कर ली है। आईजी का कहना है कि दोनों आकर दस्तावेज पेश करेंगे तो मामले का हल हो जाएगा। खबर